पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगर मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट के लिए और समझाऊं और बताऊं कि कितनी फीस है, क्या वहां पर बढ़ी है, कितनी फीस, तो बीए के पहले साल की जो फीस है वो 975 रुपए हुआ करती थी। आज की 2022 की मैं बात कर रहा हूं, उस तभी 3 महीने पहले तक ये फीस 975 रुपए हुआ करती थी, जिसको बढ़ाकर अब 3,701 रुपए विश्वविद्यालय ने कर दिया है। वहीं बीकॉम की जो सालाना फीस है वो भी 975 हुआ करती थी, इसको बढ़ाकर 3,901 रुपए कर दिया गया है। बीएससी की जो फीस है वो पहले साल में 1,125 रुपए हुआ करती थी, अब उसको बढ़ाकर 4,151 रुपए कर दिया गया है, यानी कि 300 से 400% रुपए तक की इसमें फीसदी की इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। अब कई लोग इस घटना को, इस खबर को देख रहे होंगे और ये कह रहे होंगे कि देखिए 975 रुपए होते क्या हैं, 3,000 रुपए कर दिया है तो कोई बड़ी बात नहीं, वो भी काफी कम है। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि अपने शहरों में बैठकर हम शायद अगर इस आंकलन को करें तो वो ठीक आंकलन इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो आसपास से कई दूर से मतलब बिहार तक से बच्चे पढ़ने आते हैं, बहुत गरीब घरों से बच्चे यहां पर पढ़ने आते हैं उस उम्मीद में कि शिक्षा मिलेगी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को एक जमाने में माना जाता था कि देश के कई मतलब बड़ी संख्या में IAS IPS अधिकारी, बड़े अधिकारी यहीं से निकलते हैं।